तो मैं इस वाली गेम को सालों से इग्नोर मार रहा था। बट भाई जब मैंने इसको प्ले स्टोर की 2023 की जीती हुई गेमों में देखा, तब मैंने सोचा भाई अब तो इसको खेल के देखना ही पड़ेगा क्या इसके अंदर। तो जिनको नहीं पता ये है एक गेम, लॉबी के ट्रेलर में तो बहुत ही सही लग रही है। अब देखते हैं भाई क्या पबजी या फ्री फायर जैसी गेम्स को टक्कर दे पाती है या नहीं। सबसे पहले तो ये अपने को चलना हिलना ढुलना सिखा दे। वहाँ दो लोग भाई दाने चने के लिए लड़ रहे, वो भाई उसके पिछवाड़े में आग लग गई, तो अपने भी ऐसे उड़ के जाएंगे। लेट्स गो। वो नीचे तो भाई दंगल चल रहा है। अच्छा वो शील्ड लगा दी भाई, उसको तो ग्रेनेड फेंक के मार ले। बहुत ही विचित्र पावर है सबके पास इधर तो। वैसे हम ये वाली स्किल का बुलेट डॉज करने के लिए बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ से फाइनल बॉस फाइट आ चुकी है, जिसमें क्या इसको मारने का है। साला आंख छोड़ दी, गड्डी चला दिला है। बट जिसको ऊपर बैठा टैंकर फोड़ देता है। अपने पास भी एबिलिटी आ चुकी है लोगों को ठंडा करने की। क्या एबिलिटी है भाई, तू ना सोडा की दुकान खोल ले, ठंडा पानी करके भेजेंगे, अच्छे पैसे कमा लेंगे। अपने बंदे को ठंडक के नशे हो गए, हवा में भाग रहा है। और अब अपने को इस गेम का एक व्हीकल मिल जाता है, इसको चलाते हुए जो मजा आया ना मेरे को, ये देखो। और अब भाई एक कार आ जाती है जिसको अपने को चेस करना होता है, बट अपने हाथों में से लेजर निकलता है, तो इनको तो इजिली मार दिया अपने ने। फाइनली हम लोग ट्यूटोरियल को खत्म कर देते हैं और अब बढ़ते अपन असली गेम पे। क्लासिक गेम प्ले से पहले बात कर लेते हैं इस गेम में हमको जो कैरेक्टर दिख जाता है उनकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में। तो ये हरा धनिया के पास ऐसा डिवाइस है जो अपने को एयरड्रॉप मंगा के देता है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है उसमें एक तरह से भाई पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है और हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और साला पता नहीं है कौन है अपनी काली पादे छोड़ा कर दिला हर जगह पे। साथ में ये डैमेज एबिलिटी भी, इससे पता नहीं शायद एनिमी को डैमेज पहुंचेगा, बट कभी कभी होता है एनिमी हाइट एडवांटेज में होता है, तो हम इसका यूज करके ऊपर ना पूरा ओपन एक रुपए का कवर दिए, तो जितनी नीचे मार खाओगे ना उससे ज्यादा ऊपर मार पड़ेगी तुम्हें, चुपचाप नीचे रहना। दूसरी भाई इसकी एबिलिटी वो तो मेरे को इतनी पसंद आई, जो कि एक तरह का लॉन्च पैड। बट जैसे सच्ची बात लगी, जैसे ही अपन लोग हवा से नीचे आ रहे होंगे तो उस एरिया में जितने एनिमीज होंगे ना वो सारे स्पॉट हो जाएंगे। मेरे को तो बहुत सही लगा, एक बार वापस तोड़ के आते गाइस। वैसे साइड एबिलिटी के अंदर मुझे सबसे बढ़िया पता कौन सा कैरेक्टर लगा, ये वाला। तो इसकी मेन एबिलिटी है लोह चुंबक फेंकना, जिससे सारा एनिमी एक साथ आ जाए कुछ इस तरह। अब तुम गन से मारने की जगह अगर इसकी साइड एबिलिटी को यूज करोगे, जो कि एक मोलोटोव है, और फिर भाई लोही चुंबक छोड़ दोगे, सारे एनिमी आके जलने वाले। एनिमी बचने की ट्राई भी करेंगे तब भी उन्हें डैमेज पड़ ही जाएगा आग का। बाकी एक ये वाला कैरेक्टर भी सही लगा, काली पात छोड़ने वाला, जिसको हम लोग नॉर्मल स्मोक्स की तरह यूज कर सकते है, और ये अपना ठंडा पानी बेचने वाला। और एक ये भाई, तुम किसी भी एरिया में कोई एनिमी है या नहीं वो स्कैन कर सकते हो, और फिर वो एनिमी अपने को दीवार के आर पार दिखेंगे। अब गाइस सीधा चलते अपना क्लासिक गेम प्ले पे। तो ये है अपनी लॉबी, लॉबी में ही गन मिल जाती है, चलो तबाही मचाता है गाइस। शायद वो ऊपर वाला प्लेन है उसमें जाएंगे अपन। उससे पहले अपने को एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, तो ये हरा धनिया पुदीना वाले बाल को तो नीले दिला अपन। और पता नहीं ये क्या है, चिलगूजे चूजे तेरे को तो नीले है, किसको ले लिया भाई, वो नाक में उंगली कर रहा, छी छी छी। इसको बदलने का कोई रास्ता नहीं है क्या, यकीन नहीं हो रहा इस धरती के बोझ को लेकर पहले गेम खेल ले रहा हूँ मैं। और गाइस इन्होंने सबसे अलग ही काम किया, हर गेम में अपने को प्लेन, उड़ती बस या नास्ती रिक्साई देखने को मिलती है, लेकिन इधर ये लोगों ने कुछ बहुत ही अलग करने की सोची। बेचारा लो एंड डिवाइस वालों का मोबाइल तो इधर ही फट जाएगा, तो अपने यहाँ पे कूद जाते, पूरी पलटन मेरे साथ ही जमा है, तो यहाँ पे आके गन गुन उठा के निकलते गाइस फटाफट। भागा देखिए स्टाइल देखो भाई, दिखाते हुए सदा मार ली मेरे को, लड़ने के लिए रेडी है, चलो निकलते हैं अब। और फिर मैंने भाई इसकी साइड एबिलिटी दबा दी, और ये देखो क्या निकला, ओ भाई इसको जितना बेकार भैया समझा था तो उससे भी ज्यादा है। एनिमी के सामने से गुलाटी मार मार के जाएंगे, वो कहां कहां गोली मारेगा मैं बता नहीं सकता हूं। इज्जत बचाने के लिए फाइनली एक गाड़ी मिल जाती है, और ये कोई एंगल से गाड़ी नहीं लग रही है मेरे को, मैं तो बोलता हूँ जाके ना स्पाइडरमैन को बेचाते हैं या मकोड़ी गाड़ी। वैसे गाइस इसका जो रुकने का एनिमेशन मेरे को बहुत सही लगा, और एक और नई गाड़ी मिल जाती है तो भाई झट प्लान लग रहा है मेरा, या कद्दू प्लेयर इसके अंदर आएगा। ओ आ गया, तो गाइस सामने घरों पे एक बंदा दिख जाता, अब देखते इसकी क्या एबिलिटी। एक सेकंड, पूरा झट प्लान बन गया ये तो, और एनिमी मेरा मुंह के सामने, ये दोनों क्या लिखा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और मैंने जैसे ही मिसाइल फेंकी वो भाई बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया, अबे ये तो मेरा चड्डी बड्डी है, और जो बच्चों गोले लग जा, अबे साले मेरे को तो पता ही था कुछ मतलब ही नहीं है बन के। और अपनी स्पेशल पता है क्या, ये शील्ड लगाना। और हमें बहुत सारी गाड़ियों के अंदर भाई ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे वो एक अलग ही विचित्र चीज बन जाती है इस नल्ले को छोड़कर। वैसे ये पहले से इतना सही है तो इसको बदलने की जरूरत भी नहीं है। अब भाई मैं यहाँ पे भटक ले लाता हूँ, वैसे ये पूरी स्क्वाड आ जाती है अपने ऊपर रश करने, तो चलो भाई लेते हैं इनसे फाइट। वैसे उसकी गोलियां अपने को एक भी नहीं लगी, अपने टीममेट आ गए भाई बैकअप देने के लिए, बाद में अपने ऊपर वाले बंदे को निकाला। ये नल्ले टीममेट भाई सारे किल चोरी कर ले मेरे। एक लास्ट बंदा मिल गया जिसको अपने ने ले लिया। फाइनली टाइम है यहाँ से निकल के भाई एयरड्रॉप पे जाने का, और देखो भाई ये वाली गाड़ी कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब गाइस जैसे हम लोग निकल रहे होते हमें पीछे से एक और स्क्वाड आती हुई दिख जाती है, जो कि एयरड्रॉप पे जा रही थी, और हम पे मिसाइल आग के गोले और क्या क्या नहीं फेंक रहे साले। तो यही मौका भाई गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करके पत्थर का जवाब ईंट से देने का, जवाब पत्थर से देने का। 1 HP कर दिया उसको अपने ने, लेट्स गो। उतर के बंदूक से मार देते,
इनका एक बंदा निपट लिया, बात है भाई दूसरे बंदों पे, वो अपने टीममेट से संभाल लिया। स्टार्टिंग में लगा था सारी वाली फाइट अपन हार सकते, बट नहीं यार, और अब मैं एडोप पे अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इन फगे टीममेटों को लेके गया आधा माल ऐसे ही लूटा जाएगा। तो इंसानों ने भाई एडोप के पास ही रेड जोन बना के रख दिया, मैं मरते मरते बचाऊ इधर, मतलब एक गोले में अगर मरने का होता ना मैं तो मर चुका होता अभी। बट ओ भाई इधर ही बंदे डाला यार। तो चलो गाइस पानी में अंदर जाके लूट के देखते क्या है। वेस्ट मिलना तो इजी था, वैसे गन नहीं मिली है वो उठा लेते। तो गाइस हम लोग यहाँ से जंप करके जाते दूसरे आइलैंड पे, वहां पे मुझे मिली दिमाग हिला देने वाली गाड़ी। तो कुछ एनिमी यही वाले रोड पे फाइट कर रहे होते, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अंदर बैठ के भाई मैंने उनके साथ क्या किया। तो ट्रांसफॉर्म करके ये बन जाती है एक रॉकेट मशीन। अपने पास ऑप्शन है कि अपन भाई कहीं पे भी रेड जोन बना सकते है, वहाँ पे ऑलरेडी दो स्क्वाड फाइट कर ली थी और उन बेचारों को तुम्हें पता भी नहीं कि 30,000 उनको मार के कौन चला गया। एक और फोड़ा, कुछ बंदे उनके घर में बैठे हुए थे भाई, चार किल इधर बैठे बैठे निकाली है। मैं ये सोच रहा भाई थर्ड पार्टी करना कितना इजी इस वाली चीज से। ये देखो एक और बंदा गया, अब लास्ट वाला जो एनिमी था उसने अपनी एबिलिटी का यूज कर लिया काली बात, बट मैंने भी भाई बोला कि तू नहीं बचने वाला। उसके भवंडर में घुस कर उसका भवंडर तोड़ के उसको मारा है मैंने। ये वाली फाइट में मेरे को बहुत मजा आया। अब मैं इधर से निकलने की सोच रहा होता हूँ, वैसे ही एक और एनिमी की स्क्वाड आती है हम पे हमला करने के लिए। पहले तो भाई मैंने यहाँ पे रेड जोन बना दिया, उसके बाद निकल के इनको क्या मारा, बस देखो वैसे मेरे आँख के गोलों ने काम किया। मैंने तो यहाँ पे गुलाटी मारने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अब इसको कैंसिल कैसे करते मेरे को तो वो भी नहीं आता है, बट मार दिया मैंने इसे। ओ भाई चलो गाइस बाकी के बच्चे एनिमीज को भी मार के आते, ये आराम से चल जाएगा पानी पे जो हिसाब से गेम बनी है। गेम वालों ने इसको पानी पे तैरना नहीं सिखाया, छी। लेकिन अपने को पास में कुछ और बंदे मिल जाते हैं, वैसे थोड़ा क्लोजिंग करने के लिए वाली एबिलिटी काम की है। तो इस वाले एनिमी ने तो भाई मेरे को चौंका दिया, सबसे पहले उड़ा और उसके बाद एबिलिटी का यूज कर डाला। जैसे इन वाले बंदों को निपटा जो लास्ट वाली स्क्वाड होती है वो तो भाग दे रही होती है कार लेके, और वो गाड़ी के अंदर से भाई क्या लेजर लाइट छोड़ रहा था, कूद मुद के उसको लास्ट में कोई ऑप्शन मिला नहीं तो वो भाई गाड़ी में से उतर गया। और ये कौन सी एबिलिटी है भाई, मरने के बाद सला काल जहरीली पात छोड़ के चला गया, अपन उसको लूट नहीं सकते। अब वैसे इसकी गाड़ी लेते अपन तो इसको होड़ करना पड़ता है, इतनी देर में एनिमी अपने को दो बार मार के चला जाएगा। तो फिर हम लोग ग्लास वाले एनिमी को ढूंढने लगे थे और वो हमको मिल जाता है यहाँ पे लूट करता हुआ। मतलब भाई गेम खत्म होने को है और तेरे को अभी भी लूटना ही है, इसको ऐसा झटका देंगे ना, एक सेकंड भाई वो लूट नहीं देना तो फंस चुका हूँ। चलो बहुत बढ़िया, मर नहीं सका, टीममेट की चोरी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहली बार इसकी एबिलिटी अपने को काम आती है एनिमी को भाग के मारने। एक सेकंड, अब ये भाई गुलाटी कैंसिल कैसे होगी, हो ही नहीं रही, अब किल चोरी हो जाएगा। हो गया, एक तो अपने बंदे का भागने का स्टाइल देख लो, और गेम खत्म होने के बाद मैं अपना आर्मर अपग्रेड मार दे लूं। तो गाइस यही था आज के वाले वीडियो के अंदर, उम्मीद है तुम सभी लोगों को पसंद आया होगा। वैसे अगर तुम्हें भी कोई गेम पता हो जो कि बहुत ही अच्छी है जिसको अपन खेल सकते तो कमेंट में उसका नाम लिखना मत भूलना। बाकी बस आज के वाले वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता तुमसे अपने अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।